पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने लाखावटी क्षेत्र में संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा का संबोधन भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे से शुरू किया। उसके बाद भी उन्होंने राहुल गांधी पर अपना निशाना साधा, साथ ही अखिलेश यादव पर भी कई बार किए। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव से पहले जो लोग हिंदुओं को आतंकवादी बनाने में जुटे हुए थे, वह अब अपने आप को हिंदू बताने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी में अपने आप को इंदिरा गांधी का पोता बताते हैं और जब केरल के वायनाड में जाते हैं तो फिरोज गांधी का पोता बताते हैं। इसी तरीके से राहुल गांधी कभी अपने आप को जनेऊ धारण करके हिंदू बताने की कोशिश करते हैं तो कभी अखिलेश यादव कुंभ में डुबकी लगाकर हिंदू बताते हैं। केशव प्रसाद मौर्य आज क्षेत्र में बुलंदशहर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी भोला सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने सभा में दावा किया कि प्रथम चरण में हुए उत्तर प्रदेश के चुनावों में भाजपा सभी 8 सीटों पर भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। कल पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले फेज का जिन्होंने में शामिल है चुनाव समाप्त हुआ और मैं खबर देने के लिए आपके बीच में आया हूँ। कल शाम को 6 बजे पोलिंग समाप्त हुई और अंदाजा लग जाता है सबको चुनाव जीतेंगे हारेंगे। बुलंदशहर से मेरा विशेष लगाव रहा है, आपके बीच लगातार आना जाना मेरा बना रहा। मैं आपको ये बताने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत रही है, किसी एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है। और मुझे फ्रेंड एक बात बताता हूं आपको, लाखों वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, उससे कम चुनाव अगर जीते तो वो चुनाव को जीता हुआ नहीं मानूंगा। आपके बीच में बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के आपके वर्तमान लोकप्रिय सांसद और आपके भावी सांसद दोनों चीजें कह के आ रहा हूं, ठीक है ना। आपके भावी सांसद और हमारे छोटे भाई भोला सिंह के समर्थन में आज आप सबका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित इस विशाल जनसभा में मैं भोला जी के लिए भी और भारत के प्रधानमंत्री जनजन के हृदय सम्राट 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी आशीर्वाद मांगने आया हूं। आशीर्वाद है ना। हमारे सत्ता व्यवस्था कांग्रेस की सरकार होती तो मेरे किसान भाइयों जानते हो क्या होता, 15% केवल आपको मिलता, 85% ये खा जाते, 2000 में से 300 आपको मिलता, 1700 इनकी जेब में चला जाता। और मोदी जी ने कहा है कि मेरे देश को, मेरे किसान को, मेरे गरीब को लूटने वालों, मेरी पहली बार ये तो मैंने भ्रष्टाचार रोका है और भ्रष्टाचारियों को पता लगाने का काम किया है। मेरी दूसरी पारी जब शुरू होगी तो जिसने भी देश की जनता को, देश को लूट करके अपनी तिजोरियां भर करके रखी है, एक एक पाई वसूल करके उन्हीं गरीबों, उन्हीं किसानों, उन्हीं जरूरतमंदों की झोली में डाल देने का काम करूंगा जिनका हक इस देश के अंदर लूटने का काम किया है। इसलिए मैं आप सबको यहां मुझे निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि 2014 में जब आपने इतना बड़ा जनादेश दे दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, उससे पहले राहुल गांधी जी को कभी मंदिर जाते देखा था क्या? देखा श्री अखिलेश यादव जी को कुंभ मेले में डुबकी लगाते देखा था क्या? उनकी सरकार की कभी वो नहीं गए थे। आज यादव
2014 में आपने मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, तो 2014 से पहले इस देश के हिंदू को आतंकवादी साबित करने में लगे थे, 2014 के बाद वो अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे। कोई मंदिर जा रहा है, कोई गंगा नहा रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, हमें आपत्ति नहीं है, ये मैं मानता हूं, तो हमारी विचारधारा और इस देश के अनुसार आपने कर्म किए हैं। और श्री राहुल गांधी जी तो ऐसे हैं, अमेठी में लड़ते करते इंदिरा गांधी के पोते हैं, और जब केरल में लड़ने जाते वायनाड में तो वहां कहते हैं फिरोज खान के पोते। आप सबको मैं बहुत लंबी बहुत सारी यहां पे मेरे सामने, इसलिए आज मैं आप सब लोगों से निवेदन करके जाऊंगा कि आने वाली 18 तारीख को यह कमल के फूल की बटन आप दबाएंगे ना, तो आतंकवादियों को गला दबा